रंगीले राजस्थान में घूमना किसे पसंद नहीं, लाखों सैलानी यहाँ रोज आते हैं, राजस्थान आए और जयपुर ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर आप जयपुर भी आए और आमेर फोर्ट ना देखें ये भी कैसे हो सकता है। तो आइए आज आपको घुमाते हैं पिंक सिटी जयपुर का गौरव आमेर महल। यह जयपुर शहर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ी पर स्थित है, जो अपनी अनूठी वास्तु शैली और शानदार संरचना के लिए मशहूर है। इसके इतिहास की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार राजस्थान के इस सबसे बड़े आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद करीब 150 सालों तक राजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया। इस विशाल दुर्ग के अंदर बना दिल आराम बाग इस किले की शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। इस शानदार बाग का निर्माण करीब 18वीं सदी में किया गया था। इस बाग में सुंदर सरोवर फवारे बनाए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले का नाम आमेर भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर पर रखा गया था, जबकि कुछ लोग आमेर के नाम को लेकर ऐसा मानते हैं कि इस किले का नाम माँ दुर्गा का नाम अम्बा से लिया गया है। आमेर किले में पर्यटक इस किले के पूर्व में बने प्रवेश द्वार से अंदर घुसते हैं। यह द्वार किले का मुख्य द्वार है, जिसे सूरज पोल या सूर्य द्वार कहा जाता है। किले के अंदर दक्षिण में भी एक भव्य द्वार बना हुआ है, जो कि चंद्रपोल द्वार के नाम से जाना जाता है। इस द्वार के ठीक सामने जलेब चौक बना हुआ है, जहां से सैलानी महल के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। यहां अंदर प्रवेश के साथ ही आपको महल देखने के लिए टिकट लेना होगा। यहां विद्यार्थी, बच्चे, विदेशी सैलानी व भारतीय नागरिकों के लिए अलग अलग चार्ज हैं। इस द्वार के पास एक बेहद आकर्षक संरचना दीवाने आम बनी हुई है, जहाँ पहले राजा द्वारा आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था, जिसमें उनकी फरियाद सुनी जाती थी। पीले, लाल बलुआ व संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले के दक्षिण की तरफ गणेश पोल द्वार हैं, जो कि इस किले का सबसे आकर्षक और सुंदर द्वार है। इस द्वार में बेहतरीन नक्काशी व शानदार कारीगरी की गई है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल आमेर के इस विशाल किले के अंदर बना शीश महल यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस महल को कई सुंदर दर्पणों से बनाया गया है। शीश महल को बेहद अनूठे तरीके से निर्मित किया गया है। इसके अंदर जब कुछ प्रकाश की किरण पड़ती हैं, तब पूरे हॉल में रोशनी हो जाती है। शीश महल की खास बात यह है कि इसे प्रकाशित करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी ही काफ़ी है। इसका निर्माण राजा जय सिंह ने 1621 से 1667 ईस्वी में करवाया था। शीश महल के सारे शीशे बेल्जियम देश से मंगवाए गए थे। इसे दीवाने खास भी कहा जाता है, क्योंकि जब राजा के कोई खास मेहमान या दूसरे देश के राजदूत आते थे तो वे इसी महल में मिलते थे। राजस्थान के इस सबसे विशाल किले में रोजाना शाम को लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह शो करीब 50 मिनट तक चलता है। अब सवाल कि आप कैसे आ सकते हैं जयपुर। आपको जयपुर में सड़क, रेल और वायु तीनों ही मार्गों से सुविधा मिल जाएगी। अगर पर्यटक फ्लाइट से आते हैं तो एयरपोर्ट से आमेर दुर्ग की दूरी करीब 27 किलोमीटर है। वहां जाने के लिए भी आपको टैक्सी और कैब मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से कैब और टैक्सी मिल जाएगी। आमेर महल के गर्भगृह के अंदर स्थित शीला माता का मंदिर बहुत ही भव्य है। इसे धार्मिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। जितने भी सैलानी यहाँ घूमने आते हैं वो इस मंदिर के दर्शन करते हुए ही जाते हैं। दीवाने आम के पास ही स्थित सुख निवास के दरवाजे चंदन के बने हुए हैं। इनको हाथी दांत से सजाया गया है। इतिहासकारों का कहना है कि सुख निवास का इस्तेमाल राजा अपनी रानियों के साथ समय बिताने के लिए किया करते थे। आमेर दुर्ग में बहुत सी फिल्मों का फिल्मांकन किया गया है। फिल्म बाजीराव मस्तानी का गीत मोहे रंग धोबी इसी महल में शूट हुआ था। इसके अलावा मुगले आजम, जोधा अकबर, शुद्ध देसी रोमांस, भूल भुलैया समेत कई बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों का यहाँ पर फिल्मांकन हो रखा है। तो साथियों, यह था आमेर महल। यकीनन आप भी यहाँ पर एक बार जरूर घूमने आएंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और नई जगह पर।